फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। आज के इस वीडियो में हम आपको टीएनएफ अल्फा सिग्नलिंग पाथवे के बारे में बताएंगे। आइए दोस्तों जानते हैं टीएनएफ अल्फा सिग्नलिंग पाथवे को। टीएनएफ अल्फा सिग्नलिंग में जो लीगेंड होता है उसको हम टीएनएफ बोलते हैं, मीन्स ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बोलते हैं, जो कि एक तरह का साइटोकाइन होता है और हमारी इम्यून सेल्स द्वारा, लाइक मैक्रोफेजिस द्वारा, मोनोसाइट्स द्वारा, हेल्पर टी सेल्स द्वारा, डेंड्रेटिक सेल्स द्वारा हमारी बॉडी में यह जो साइटोकाइन है वो सिक्रीट करा जाता है। टीएनएफ अल्फा जनरली हमारी सेल्स के अंदर सेल की एपोप्टेसिस करवाने का काम करता है, मींस ये कैस्पेस कैस्केड को एक्टिवेट करवाकर सेल की एपोप्टेसिस करवाता है। लेकिन इसके अलावा इसके पास एक और कैपेबिलिटी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पांस को इंड्यूस करवाने की। मींस ये एपोप्टेसिस के अलावा सेल के अंदर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज को भी इंड्यूस करने का काम करता है। टीएनएफ अल्फा सिग्नलिंग में जो रिसेप्टर होता है उसको हम टीएनएफ अल्फा रिसेप्टर बोलते हैं। ये एक ट्राइमेरिक रिसेप्टर होता है, मींस तीनों मोनोमर यूनिट का बना हुआ एक रिसेप्टर होता है, जिसके साइटोसोलिक फेस पर एक डोमेन प्रेजेंट होता है जिसको हम डेथ डोमेन बोलते हैं। जब तक कि कोई टीएनएफ अल्फा इस रिसेप्टर के साथ आकर बाइंड नहीं करता, तब तक साइटोसोल में एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम साइलेंसर ऑफ डेथ डोमेन प्रोटीन बोलते हैं। ये डेथ डोमेन प्रोटीन जो है वो इस डेथ डोमेन रिसेप्टर के साथ आकर क्या कर जाती है, बाइंड कर जाती है। और जब ये प्रोटीन इस रिसेप्टर के डेथ डोमेन के साथ आकर बाइंड करती है तो ये इस रिसेप्टर को इनएक्टिवेट करवा कर रखती है जब तक कि कोई टीएनएफ अल्फा इस रिसेप्टर के साथ आकर बाइंड नहीं करता। लेकिन जैसे ही कोई टीएनएफ अल्फा इस रिसेप्टर के साथ आकर बाइंड करता है तो साइटोसोल में एक और प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम TRADD प्रोटीन बोलते हैं। ये TRADD प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, और जब ये TRADD प्रोटीन एक्टिवेट होती है तो ये यहाँ पर प्रेजेंट साइलेंसर ऑफ डेथ डोमेन जो प्रोटीन है उसको रिप्लेस कर देती है और खुद उसकी जगह जाकर यहाँ पर अटैच हो जाती है। और जैसे ही ये इसके साथ अटैच होती है तो यहाँ पर ये दूसरे प्रोटीन्स को भी रिक्रूट करवाती है, मींस जैसे ही ये रिक्रूट होती है तो ये दूसरे प्रोटीन जिसको हम TRAF प्रोटीन बोलते हैं, ये इस प्रोटीन को भी अपने पास रिक्रूट करवाती है। और जब TRAF प्रोटीन इसके साथ आकर रिक्रूट होती है तो ये एक और प्रोटीन को इनवाइट करती है जिसको हम IAP प्रोटीन बोलते हैं, मींस इनिबिटर ऑफ एपोप्टेसिस बोलते हैं। और जब ये इनिबिटर ऑफ एपोप्टेसिस प्रोटीन इस TRAF प्रोटीन के साथ आकर रिक्रूट होती है तो ये एपोप्टेसिस को स्किप कर देती है और इस सिग्नलिंग को प्रोसीड करवाती है टुवार्ड दी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस, मीन्स इसको दूसरी डायरेक्शन में, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस की डायरेक्शन में जो है डाइवर्ट कर देती है। और आफ्टर डाइवर्टिंग ये एक और प्रोटीन को रिक्रूट करवाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, RIP प्रोटीन बोलते हैं। और जैसे ही यहाँ पर आकर आए RIP प्रोटीन जो है वो रिक्रूट होती है तो ये एक्टिवेट करवाती है एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स को जिसको हम IKK कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, मीन्स इनिबिटर ऑफ Kappa-B काइनेज कॉम्प्लेक्स, मीन्स ऐसे काइनेज एंजाइम का कॉम्प्लेक्स जो इनिबिटर ऑफ Kappa-B का क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेशन करते हैं, उन कॉम्प्लेक्स को ये एक्टिवेट करवा देती है। और जब ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है तो ये NF-kappa-B पे प्रेजेंट इनिबिटर जिसको हम I-kappa-B बोलते हैं, ये I-kappa-B का फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं, क्योंकि NF-kappa-B जो है वो सारे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। तो जैसे ही इसका I-kappa-B का फॉस्फोराइलेशन होता है तो ये NF-kappa-B जो है वो फ्री हो जाता है और एक्टिवेट हो जाता है। और जब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होता है तो ये मूव करके न्यूक्लियस में चला जाता है और न्यूक्लियस में प्रेजेंट टारगेट जीन को एक्सप्रेस करवाकर फंक्शनल प्रोटीन बनाने का काम करता है। इस तरह से TNF अल्फा जो है अलग अलग टाइम पर दोनों फंक्शन को परफॉर्म करती है, मींस कभी तो ये एपोप्टेसिस करवाती है और कभी सेल के अंदर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज जो है उनको इंड्यूस करवाने का काम करती है। इसलिए हम इस TNF अल्फा सिग्नलिंग और TNF अल्फा को हम प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जो है वो समझ आया है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।